मैग्नीफाइंग पावर ऑफ कंपाउंड माइक्रोस्कोप, और फाइनल इमेज बनानी है उन्हें, कहाँ फाइनल इमेज एट इंफिनिटी। ठीक है, सबसे पहले आपने ड्रॉ किया एक प्रिंसिपल एक्सिस, प्रिंसिपल एक्सिस स्टार्टिंग वही की वही है जैसे पीछे किया था हमने, क्या कहीं भी आपको एक बनानी है, एक ड्रॉ करनी है लगभग लगभग 1 सेंटीमीटर की, क्या ऑब्जेक्ट, दिस इज ऑब्जेक्ट एवी। ध्यान ये रखना है आपको कि जब भी कोई आप रे डायग्राम ड्रॉ करते हैं तो आपकी मार्किंग हैंड टू हैंड करते चले, हैंड टू हैंड मार्किंग करते चलेंगे तो आसानी रहेगी। ठीक है, और इससे 1.5 से 2 गुनी आपने बनानी है क्या इमेज ए डैश बी डैश। तो मैं ले लेता हूं 1.5 सेंटीमीटर की, इससे थोड़ी सी बड़ी भी ले सकते हैं आप, करेक्ट। ए डैश बी डैश इज द इमेज फॉर्म्ड बाय ऑब्जेक्टिव लेंस। अब आपने क्या काम करना है, ए और ए डैश को ज्वाइन करना है, ए और ए डैश को आपने ज्वाइन करना है। ठीक है, ये आपकी फर्स्ट रे बनी, और जहां ये रे प्रिंसिपल एक्सिस को इंटरसेक्ट कर जाए यही आपको ड्रॉ करना है, क्या यही आपको ड्रॉ कर देना है ऑब्जेक्टिव लेंस। ठीक है, केवल एक लाइन आपको ऑब्जेक्टिव लेंस की ड्रॉ करनी है, और ये पॉइंट आपका क्या बनेगा O1, राइट। इसके बाद आपने एक लाइट रे लेनी है पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, कहां से लेनी है ए पॉइंट से। ठीक है, पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, और इस लाइट रे को जबरदस्ती आपने बिना सोचे समझे आंख बंद करके बिल्कुल कहां ज्वाइन कर देना है ए डैश पर आपने ज्वाइन कर देना है। ए डैश पर आपने ज्वाइन कर देना है, ये आपकी सेकंड लाइट रे बन गई। ठीक है, सेकेंड लाइट रे जहां इंटरसेक्ट कर रही प्रिंसिपल एक्सिस को, दिस इज FO। ठीक है, FO डिस्टेंस मेजर कर लीजिए कितना आ रहा है, कंपास से भी कर सकते हैं, कंपास से करने का भी तरीका है, कंपास से आसान हो जाता है, आपको मेजर ही नहीं करना, कंपास या डिवाइडर। ठीक है, जो भी डिस्टेंस है ये आपने ले लिया कंपास में, यहां निशान लगा दीजिए, फिर एक निशान आगे लगा दीजिए, आगे वाला जरूरी नहीं है। अब ये पॉइंट कौन सा बना आपका, ये पॉइंट एफ ओ डैश, और ये पॉइंट 2 एफ ओ डैश। ठीक है, ऑब्जेक्टिव लेंस से हो गया। अब इस ए डबल डैश ए डैश बी डैश की एक और इमेज बनानी है आपको, लेकिन इन्फिनिटी पर बनानी है, कहां बनानी है इन्फिनिटी पर लेनी है आपने। तो अब क्या करेंगे, क्योंकि इन्फिनिटी पर इमेज बनेगी तो पहली बार तो याद कीजिए हमने यहां एक लंबी सी इमेज बना ली थी, लेकिन इस बार इन्फिनिटी पर तो हम बनाएंगे नहीं उसे कहीं भी, तो क्या करना है हमने सिंपली एक लाइट रे लेनी है ए डैश बी डैश से कहां तक इंफिनिटी तक, सीधे सीधे से कहीं भी आपको खत्म नहीं करना, डॉटेड छोड़ देना। अब ये जहां भी इंटरसेक्ट किया इस लाइन ने प्रिंसिपल एक्सिस को, यहां आपने ड्रॉ कर देना है क्या आईपीस लेंस, ये आपका
आई पीस लेंस बन गया, ठीक है। आई पीस लेंस से आप लीजिए पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस ए डबल डैश बी डबल डैश से कहां तक, आई पीस लेंस तक। और अब आपने क्या काम करना है, एक लाइट रे आपको ड्रॉ करनी है पैरेलल टू फर्स्ट वन, ये पॉइंट आपका क्या है ओ टू है, ठीक है, इसके पैरेलल ड्रॉ करनी है, यहां से ड्रॉ करनी है, कहां से, इस वाले पॉइंट से, ठीक। तो कैसे ड्रॉ करेंगे देखो, ये सेट स्क्वायर की एक साइड लगा ली, ठीक है, लाइन पर लगा ली बिल्कुल, दूसरी साइड पर आपने क्या रख दिया, दूसरी साइड आपने ये स्केल रखा यहां, ठीक है, दिख रहा है सबको, दूसरी साइड पर मिला लिया स्केल, और अब आप स्केल के सहारे आराम से प्यार के साथ इस सेट स्क्वायर को मूव करके कहां तक ले आए, वहां तक जहां आपको, ठीक है, पैरल बनाना है। या इसको ऐसे भी कर सकते हैं कि यहां आप लगा लीजिए क्या स्केल लगा लीजिए, ये भी ठीक कह रहे हैं, क्योंकि हमें फाइनल इमेज कब बनती है, इंफिनिटी पर, जब फोकस पॉइंट पर रखा हो, तो इसका मतलब ये जो बी डैश पॉइंट है, बी डैश पॉइंट इज द एफ ई फोकस पॉइंट ऑफ आई पी स्लैंस। तो दूसरा तरीका सही है कि यहां से डिस्टेंस हम मेजर कर लें एफ ई तक की है, ठीक है, और उतने ही डिस्टेंस पर क्या दूसरी साइड एक पॉइंट लगा दीजिए आप, ओके, ये पॉइंट क्या बना आपका, ये पॉइंट बना एफ ई, ये एफ ई डैश है, एक्चुअल में बी डैश पॉइंट और एफ ई डैश पॉइंट एक ही है, ठीक है। अब इस एफ ई और ये वाला पॉइंट, इन दोनों को आप ज्वाइन कर दीजिए, ये दोनों आपकी क्या हो गई, ये दोनों आपकी पैरेलल हो गई टू इंफिनिटी, ठीक है, और ये लाइट आगे चली गई। अगर आप अपने डायग्राम को और थोड़ा सा प्यारा सा बनाना चाहते हैं तो यहां से ये वाली दोनों लाइट एक्सटेंड कीजिए आप आई पीस लेंस तक, ठीक है, हालांकि उनका डेरिवेशन में यूज नहीं होता, तो आप यही वाली लाइन रहने दीजिए, यही लाइट रहने दीजिए आप पीछे ए डैश के पीछे, तो इसको रखिए डॉटेड और ए डैश के आगे रखिए इसे क्या कंटिन्यूअस, डिफरेंट कलर से बना दिया मैंने, ठीक है, एक लाइट तो ये रही, दूसरी लाइट तो ये रही, करेक्ट। यहां आप लिख दीजिए क्या आई, केवल लिख देना ही काफी है, आंख बनाना जरूरी नहीं है। फाइनल इमेज बनी हमारी कहां, इंफिनिटी पर। तो फाइनल इमेज ने एंगल कितना ड्रॉ किया है, अच्छा अब पहले आप लेंस भी कंप्लीट कर लीजिए। लेंस कंप्लीट करने के लिए फिर वही तरीका है आपका क्या, कि प्रिंसिपल एक्सिस से जितना ऊपर होना चाहिए लेंस, ये मैं यहां तक का ले लेता हूं, जितना प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर हो लेंस ये, उतना ही प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे आना चाहिए। और अगर लेंस बनाने में आपसे थोड़ी बहुत गड़बड़ हो भी जाए तो टेंशन नहीं बिल्कुल भी, लेकिन ये बात ध्यान रखना कि जितना ऊपर हो लेंस उतना ही लेंस नीचे हो, ठीक है, और ऑब्जेक्टिव लेंस से बड़ा होना चाहिए आपका कौन सा लेंस, आईपीस लेंस। तो मैंने यहां तक ले लिया थोड़ा सा ये, ठीक, और ऊपर यहां तक ले लिया मेरा। अब इन दोनों पॉइंट्स को आप फ्री हैंड ज्वाइन कर दीजिए, थोड़ा बहुत टेढ़ा मेढ़ा हो जाए तो मिटाने की कोशिश मत करना, मिटाने से आपका जो डायग्राम है वो बहुत अनटाइडी हो जाता है,
उसे रब ना करें, कभी भी ये कोशिश करें कि आप इसका तो यूज करना ही नहीं है, ये तो आपके कंपास बॉक्स में होना ही नहीं चाहिए, इसका कहीं यूज करना ही नहीं है किसी भी डायग्राम में। दिस इज द एंगल सबटेंडेड बाय फाइनल इमेज एट आई, क्योंकि आई को हम ये मानकर चलते हैं कि आई पीस लेंस के बहुत पास है। इनके नाम भी आपको मेंशन करने होते हैं, एल ई लेंस आई पीस, लेंस ऑब्जेक्टिव, जो ऑब्जेक्ट की तरफ रहता है वो ऑब्जेक्टिव, जो आंख की तरफ रहता है वो आई पीस, ठीक है। अब ये तो बीटा हो गया, एंगल सबटेंडेड बाय फाइनल इमेज एट आई, लेकिन एंगल सबटेंडेड बाय ऑब्जेक्ट भी तो फाइंड करना है। अब वो कैसे फाइंड करेंगे, इसके लिए ऑब्जेक्ट रखना होता हमें एलडीडीवी पर, ठीक है। अब यहां एलडीडीवी कहीं भी नहीं है, एलडीडीवी कहीं भी नहीं है यहां, ठीक है। तो या तो डायग्राम अलग बनाइए या इसी डायग्राम में बनाइए, इसी डायग्राम में बना लेना ज्यादा आसान पड़ता है, मतलब कैलकुलेशन करने के लिए। तो आपने यहां कहीं बना देना है यही, इसके लिए आप क्या करें, इसके लिए आप एक्सटेंड कर दें, इसको डॉटेड लाइन से शो कर दें, पता लग जाता है कि यही ऑब्जेक्ट है, यही ऑब्जेक्ट है। लेकिन इस बार इसे कहां रख दिया आपने, इसे आपने एलडीडीवी पर रख दिया, वही ऑब्जेक्ट है ए बी, और कितने डिस्टेंस पर रखा आपने, एलडीडीवी पर रखा है। और यहां से आप इसे ले जाएं कहां तक, आईपीस लेंस तक। दिस एंगल इज अल्फा, एंगल सबटेंडेड बाय ऑब्जेक्ट एट आई, और ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस कितनी है इस टाइम, डिस्टेंसेज आप कोशिश करें कि सारी डिस्टेंसेज आप नीचे लिखें, यहां दिस डिस्टेंस इज डी, आंख से लेकर के ऑब्जेक्ट तक की डिस्टेंस, वो पोजीशन जिसमें अल्फा। आपको ये सोचना है कि जब ये ग्रीन वाला आप लाइन देख रही हैं, ग्रीन वाला देख रहे हैं लाइन, ये तो आपके दोनों लेंस वेंस कुछ भी नहीं है बीच में, सिंपली ऑब्जेक्ट रखा आपने और आपकी आंख कहाँ है, किस पोजिशन पर है, ओ टू पोजिशन पर है, ये लेंस वेंस ये सब चीजें नहीं है। दो डायग्राम मिला करके आपने एक डायग्राम बना दिया, ओवरलैप कर दिया दो डायग्राम को, ठीक है। बस अब उसके बाद बस इन सारी की सारी चीज, तीनों चारों डेरिवेशन में केवल डायग्राम बनने की बात है, उसके बाद कुछ भी नहीं है। मैग्नीफाइंग पावर कितना बना आपका, मैग्नीफाइंग पावर बना एम इक्वल्स बीटा बाय अल्फा फॉर स्मॉल एंगल इन रेडियन, टेन थीटा अप्रोक्सीमेटली थीटा के इक्वल होता है, तो फिर एम इक्वल्स कितना हो गया, टेन बीटा बाय टेन अल्फा। अब टेन बीटा कहां से लाएंगे, देखो ये रहा टेन बीटा, ए डैश बी डैश अपॉन ओ टू बी डैश, है ना, ए डैश बी डैश अपॉन, ठीक है। अब यहां देखिए ए वन बी वन बाय ओ टू बी वन, ए वन बी वन ये रहा ओ टू बी वन, लेकिन ए वन बी वन किसके इक्वल है, ए बी, वही तो ऑब्जेक्ट है ये, तो इसलिए हम क्या लिखेंगे इसे, ए डैश बी डैश बाय ओ टू बी डैश डिवाइडेड बाय ए बी बाय ओ टू बी वन, और अब एम इक्वल्स हुआ आपका ए डैश बी डैश बाय ए बी इंटू ओ टू बी वन बाय ओ टू बी डैश, ठीक है। एम इक्वल्स हाँ वही बात है, वही पीछे वाली सारी कहानी, देखिए ए डैश बी डैश ओ वन इज सिमिलर टू ए बी ओ वन, कैसे सिमिलर है, ये देखिए वर्टिकली अपोजिट एंगल्स आ गए, इधर यहाँ बी पर राइट एंगल बन रहा है तो इधर यहाँ बी पर राइट एंगल बन रहा है, तो वही सारा वही प्रोसेस तो सब वही रहता है ना, ट्राइंगल ए डैश बी डैश ओ वन सिमिलर ट्राइंगल ए बी ओ वन, तो इसलिए
ए डैश बी डैश, ए डैश बी डैश बाय ए बी इक्वल्स, देखिए इधर से लिया हमने ए डैश बी डैश, इधर से लिया ए बी, तो ये आपका कितना बना, बेस इसका कितना बना, ओ बी डैश, और ये क्या बनेगा, ओ बी, ओ बी नॉट बी वन, बी वन तो यहां भी है, ओ बी, ओ वन बी, ओ वन बी, ओ वन बी डैश डिवाइडेड बाय ओ वन बी, ओ वन बी डैश डिवाइडेड बाय ओ वन बी, सब्सटीट्यूट कर दीजिए मैग्निफिकेशन के फॉर्मूले में, तो एम इक्वल्स ओ वन बी डैश बाय ओ वन बी इंटू ओ टू बी वन अपॉन ओ टू बी डैश, सब्सटीट्यूट करते चले देखें ओ वन बी डैश कितना है, ओ वन से बी डैश तक, ओ वन से बी डैश तक, दिस इज ओ वन बी डैश, इट इज वी ओ, ठीक है, तो यहां सब्सटीट्यूट किया आपने प्लस वी ओ डिवाइडेड बाय ओ वन बी कितना है, ओ वन से बी तक क्या है, इट इज माइनस यू ओ, ठीक है, तो इसे सब्सटीट्यूट किया आपने कितना, माइनस यू ओ इंटू ओ टू बी वन, ओ टू बी वन, ओ टू बी वन, ओ टू से बी वन तक कितना है डी एड, तो इसे आपने सब्सटीट्यूट किया माइनस डी डिवाइडेड बाय ओ टू बी डैश, ओ टू बी डैश, दिस इज ओ टू बी डैश, ओ टू बी डैश कितना है बताओ, ओ टू बी डैश है डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फॉर आईपीएस लेंस, तो ये आपके लिए बनता है कितना यूई माइनस का यू, तो इसे आपने सब्सटीट्यूट किया कितना माइनस यू, ठीक है, या एक काम करता हूं मैं, चलो ऐसी चीजें, तो अब ये आपका पूरा क्या बन गया देखो, एम इज इक्वल्स टू, अब ये बना आपके लिए एम इक्वल्स माइनस वी ओ बाय यू ओ इंटू डी बाय यू ई, ठीक, फिर फॉर आईपीस लेंस, आईपीस लेंस के लिए 1 बाय एफ इक्वल्स 1 बाय वी माइनस 1 बाय यू ई यू, तो आईपीस लेंस के लिए क्या लगाएंगे 1 बाय एफ ई, दिस इज द फॉर्मूला, दिस इज लेंस फॉर्मूला, और मैंने जब एफ को एफ ई लिखा है तो एफ की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दी किसके लिए, आईपीस के लिए, इज इक्वल्स टू वी ई कितना है, चलो अच्छा वी ई लिखता हूं, माइनस वन बाय यू ई निगेटिव का, ठीक है, अच्छा वी ई कितना है यहां पर, वी ई इंफिनिटी, तो वन बाय इंफिनिटी माइ प्लस वन बाय यू ई, करेक्ट, ये तो जीरो हो गया पूरा, तो मैंने इसको लिखा डी अपॉन एफ ई इक्वल्स डी अपॉन यू ई, आ गया देखो सब्स्टिट्यूशन, d अपॉन यू ई को हम कैसे सब्स्टिट्यूट करेंगे, d अपॉन एफ ई, ठीक है, तो अब आपका फॉर्मूला बना m इक्वल्स माइनस वी ओ बाय यू ओ इंटू डी बाय एफ ई, ठीक है, फिर उसके बाद फिर वही कहानी कल वाली, क्या कि ये जो वी ओ है ये काफी बड़ी है एज कंपेयर टू यू ई, और दोनों लेंसेस के बीच की जो डिस्टेंस है वो लेंथ ऑफ माइक्रोस्कोप, तो लेंथ ऑफ माइक्रोस्कोप एल इक्वल्स कितना एक्चुअली वी ओ प्लस यू ई, सिंस वी ओ इज मच लार्जर देन यू ई, तो हम क्या कह सकते हैं एल इक्वल्स वी, m इक्वल्स l को आपने वी ओ सब्स्टिट्यूट कर दिया, तो m इक्वल्स माइनस l बाय वी ओ इंटू डी बाय एफ ई, करेक्ट, केवल एक डिफरेंस आया कि जब एल डी डी पर बनी थी तो यहाँ वन प्लस डी अपॉन एफ ई आ रहा था, इस बार डी अपॉन एफ ई आ गया, ध्यान दीजिए कि ये जो आपका आई पीस लेंस है ये आई पीस लेंस एक सिंपल माइक्रोस्कोप की तरह से काम कर रहा है,
सिंपल माइक्रोस्कोप में जब इन्फिनिटी पर इमेज बनी थी तो सिंपल माइक्रोस्कोप का मैग्नीफाइंग पावर था डी बाई एफ ई, और जब एलईडी पर बनी थी तो सिंपल माइक्रोस्कोप के लिए फॉर्मूला था 1 + d / f, वही चेंज आ गया। ठीक है,